अयोध्या राम जी की नगरी है, फिर भी यहाँ मंथरा है। लंका राक्षसों की नगरी है, फिर भी वहाँ विभीषण है। पर ये बीच की है मिथिला नगरी। अयोध्या योग की नगरी, लंका भोग की नगरी, पर ये मिथिला है प्रेम की नगरी। और जहाँ प्रेम होता है, फिर वो प्रेमी भगवान को ढूंढने नहीं जाता, भगवान ढूंढते हुए आते हैं। ये पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए, समाचार मिथिला पति पाए। जैसे ही जनकपुर पहुँचे, एक आम्र वाटिका में विश्वामित्र जी दोनों भैया के साथ रुके, आम की बगिया में। जनक जी को खबर पड़ी कि विश्वामित्र जी आए हैं, पूरे समाज के साथ स्वागत करने आए। ये दोनों भैया अभी आम्र वाटिका में आगे गए थे, ये वहाँ पर नहीं है विश्वामित्र जी के पास। और जैसे ही चर्चा हो रही थी जनक जी और विश्वामित्र जी में, इसी समय दोनों भैया आए। अब ये जनक जी वो हैं जो नाम को रूप को मिथ्या मानते हैं, जो निराकार की उपासना करते हैं। निगाह पड़ गई मेरे राघव जी पर, भैया लक्ष्मण पर। जनक जी टकटकी लगाए देखते हैं और प्रश्न किया विश्वामित्र जी से, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक, इनहि विलोकत अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, विराग रूप मन मोरा, विराग रूप मन मोरा, थकित होते जिमि चंद चकोरा, थकित होते जिमि चंद चकोरा, कहु नाथ सुंदर दो बालक। ये रूप को मिथ्या मानते हैं जनक जी। अब रूप पे ही निगाह अटक गई, ये दोनों सुंदर सुंदर कौन है बालक। अब नाम जानने की इच्छा है, क्या नाम है, मुनि कुल के तिलक हैं, नृप कुल के पालक हैं, ये दोनों कौन हैं। अब विश्वामित्र जी ने भी कहा, ये जहां तक सृष्टि है, जीव हैं, ये सबको प्यारे लगने वाले हैं, पहली बात। और दूसरी बात में कहा, ये राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, इन्होंने बड़े बड़े काम किए, ताड़िका मारी, सुबाहु को मारा, मारीच को तो वो समुद्र के पार फेंक दिया। और जनक जी आते आते अभी अभी आपकी गुरु माता अहिल्या जी का उद्धार करते हुए आए हैं। पूरी चर्चा जब जनक जी ने सुनी, आनंद से भर गए। सुंदर सदन सुखद सब काला। अभी तक ये कहाँ ठहरे थे? आम्र वाटिका में, आम की बगिया में। अब जनक जी ने इनको जनकपुर के सबसे स्पेशल सुंदर भवन में ठहराया। हमारे संत कहते हैं, ये महल किसका है जानते हैं? ये सीता मैया का महल है। सीता मैया भक्ति का स्वरूप है। भगवान द्वार पे आए हैं तो सदैव भक्ति के भवन में भगवान को विराजमान करा देना चाहिए। सीता मैया ने कहा, तो पिताजी मैं कहाँ रहूं? जनक जी ने कहा, आप हमारे भवन में रहिए। इसका एक भावार्थ क्या कि भक्ति के भवन में भगवान रहें और भक्ति हमारे हृदय रूपी भवन में रहें, यही इनका निवास है। अब सत्संग चल रहा था, लगभग सायंकाल की वेला होने को है। तब तक एक लीला प्रभु ने यहाँ की, ये नाथ लखनपुर देखन चाही। राम जी ने धीरे से कहा, प्रभु गुरुदेव, ये लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण ये नगर दर्शन करना चाहता है। विश्वामित्र जी ने कहा, तो जिसको देखना है उसने क्यों नहीं बोला?
आप क्यों कह रहे हैं वो प्रभु सकोच डर प्रगट न करही। आपसे संकोच डर के मारे नहीं बोल रहे हैं, बताओ भला। जनक जी जैसे ज्ञानी के सामने नहीं डरे, परशुराम जी जैसे शक्तिशाली के सामने नहीं डरे, और एक बात कहने में डर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो राम जी ने कहा, सरकार जो राउर आयस में पाऊं तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। आप आज्ञा दे दो ना तो इसको नगर दिखा के मैं जल्दी से ले आता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ आपका तो देखा ही दिखाया होगा। अब भाई दिखा, आप मुझसे कहो दीदी चलो हम आपको अमृतसर दिखा लाते हैं गोल्डन टेम्पल, तो मतलब आपका देखा होगा तभी तो दिखाओगे। आप भी अनजान हम भी अनजान तो कैसे दिखाओगे। और राम जी क्या कहते, मैं नगर दिखा के ले आऊं। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं बस देखने नहीं जाना है, आप एक काम करिए, आप दोनों भैया भ्रमण के लिए जाइए और इस मिथिला नगरी को अपने प्रेम के पाश में ऐसा बांधिए कि जिंदगी भर फिर ये गांठ छूटे ना। ऐसे बांध के आइएगा, ये मिथिलावासी नाम रूप को मिथ्या मानते हैं ना, निराकार की उपासना करते हैं। बता के आओ कि जब सगुण सरकार रूप लेकर सामने आ जाए तो कैसे हृदय डावाडोल हो जाता है। अब सरकार निकले मिथिला की गलियों में, अभी निकले भर हैं, किसी को ज्यादा आता पता नहीं, हल्ला मच गया। क्या मचा रहे, कोई आए हैं, कोई आए हैं। और ये कोई आए हैं को देखने के लिए कौन कौन गया, सबसे पहले बच्चे भागे। बच्चे कहाँ हैं, तो राम जी के साथ चल रहे हैं। कोई राम जी की धोती पकड़ा है, कोई धनुष का कोना पकड़ा है, कोई पटके का छोर पकड़े हुए है, राम जी के साथ साथ चल रहे हैं। अगला वर्ग कौन है, तो कहें तो पुरुषों का वर्ग था जो घर के बाहर आ गया, द्वार पे खड़े होकर देखने लगे। तीसरा वर्ग कौन है, तो तीसरा वर्ग है मिथिला की माताएं और सखियां जो अपनी अपनी अटारियों पर छतों पर खड़े होकर नीचे देखने लगी। अब जो नीचे खड़े हैं ये पुरुष वर्ग को भगवान का परिचय पहले नहीं मिला है, ऊपर वालों को पहले पता चल गया। समझिएगा, पुरुष ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान भगवान को देखने की तो क्षमता रखता है पर भीतर तक भगवान का परिचय पाने की सामर्थ्य केवल भक्ति में होती है। जो भक्ति ऊपर खड़ी है, भक्ति स्वरूपा माताएं, अभी ऊपर की सखियां नीचे से कहती हैं, अब राघव जी चले जा रहे हैं और इस सखी देखो तो चाल कितनी सुंदर है। दूसरी ने कहा, अरे चाल को छोड़ो, जरा देखो देखो तो हाथ कितने सुंदर हैं। तीसरी ने कहा, हाथ भी छोड़ो, चरण कितने सुंदर हैं। चौथी ने कहा, बाल कितने सुंदर हैं। पांचवी ने कहा, सब सुंदर हो के क्या फायदा जब मुंह दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर खड़े हो केवल सिर ही तो दिखेगा, चेहरा कैसे दिखेगा। अब ये सखियां बिल्कुल आनंद में एक बार हमारी ओर देख लेते। अब राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण कन्हैया थोड़ी ना है कि जो ना देखवा को भी दिखवा ले, ये तो राम जी हैं मर्यादा। अच्छा, इन सखियों ने सोचा कुछ उपाय करेंगे तो ये ऊपर देखेंगे। अब ये सखियां आपस में जोर जोर से बात करने लगी आपस में। सखी तुम्हें पता है ये दोनों कौन है, ये ना विश्वामित्र जी के साथ आए हैं और जानती हो इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। अहिल्या जी का उद्धार किया, तारिका मारी, सुबाहु मारे, मारीच को फेंका, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। राम जी को सुना रही थी कि आप एक बार ऊपर देखो। लखनलाल ने कहा, भैया कोई ना हमारे आपके कामों की गिनती करा रहा है, लगता है ऊपर कोई जान पहचान वाला है, एक बार देखा जाए कौन है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण दूसरे की नगरी में आए हैं, वो भी पहली बार आए हैं, इधर उधर तो देखना ही नहीं, सीधा चलो भैया, कहीं नहीं देखना। सखी ने कहा, ये तो देखे ही नहीं, राम जी ने देखा ही नहीं। अब उसके बाद दूसरी सखी ने कहा, अभी देखो मैं बोलूंगी तब देखेंगे। दूसरी ने कहा, सुनती हो जो जो ये सांवले वाले हैं ना इनका नाम राम है और जो गोरे वाले हैं ना इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया नाम भी पता है, एक बार देखे। राम जी ने कहा, ना 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 ना, सीधा चलना लक्ष्मण, सीधा, कहीं नहीं देखना है। तब तक सखी ने कहा, अरे इन्होंने फिर नहीं देखा। तीसरी ने कहा, मैं बुलवाती हूँ, अभी देखेंगे। तीसरी ने कहा, तुम्हें पता है इनके पिताजी का नाम दशरथ है, दशरथ। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया पिताजी को भी जानती है, अब देखें।
राम जी ने कहा लक्ष्मण सीधा, कहीं नहीं। तीसरी ने कहा नहीं देखा। चौथी ने कहा तुम सबके बस की नहीं है, मैं बुलवाती हूँ, अभी देखो कैसे देखते। चौथी ने कहा अरे तुम्हें तो उस पिता तक का पता है, हमें तो इनकी मैया का भी नाम पता है। सांवले वाले की मैया का नाम कौशल्या है और गोरे वाले की मैया का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया माता जी को भी जानती हैं पक्का, कोई चाची मामी काकी मौसी एक बार देखें। राम जी ने कहा सीधा नहीं देखना है। चारों पांचों हार गए, राम जी देखते ही नहीं हैं। तब तक पांचवी ने कहा अब ये बोलने से नहीं देखेंगे, फेंकने से देखेंगे, मारो फेंक के कुछ ऊपर। सखी ने कहा अरे बावरी हो, इतना कोमल देह चोट नहीं लगेगी। तब तक पांचवी ने कहा मैं बावरी नहीं, तुम बावरी हो, मैं पत्थर फेंकने को थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ ऊपर से फूल फेंको, ये अभी ऊपर देखेंगे। अब ऊपर से सुमन वृष्टि करने लगे। अब जैसे फूल बरसने लगा, राम जी ने कहा लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया ने कहा पता है सीधा। राम जी ने कहा इस बार सीधा नहीं भैया, हम भी सोच रहे एक बार देख लें पहली मुलाकात में फूल कौन बरसा रहा है। अब राघवेंद्र सरकार ने एक बार ऊपर देखा, एक बार ध्यान रखिएगा, ये जब तक देखेंगे तब तक संभल जाओगे, अगर देख के मुस्कुरा दिया तो पगला जाओगे। ये सारी पगला गई, ये जितनी ऊपर खड़ी थी, अच्छा एक नई नवेली बहू भी थी, ये सब आपस में बातें करे, अब उसके मुंह पे इतना बड़ा घूंघट, अब सब कहे जरा चाल तो देखो, जरा गाल तो देखो, बाल तो देखो। अब ये बेचारी घूंघट लिए बस सुने देखो देखो देख कुछ ना पाए। तब तक सोचने लगी जब सब देख रहे हैं तो जरा हम भी देख लें। इसने घूंघट किया ऊपर और खिड़की से मुंह बाहर निकाला, लगी झांकने का देखना है। तब तक इनकी सासू मैया ने देख लिया। अब सासू मैया ने कहा बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया, इतने दिन की बनी बनाई इज्जत पे पानी डाल दिया, कल की आई मुंह खोल के बाहर झांक रही है। बहू रानी ने कहा सासू माँ संसार पूरी मिथिला नगरी इनको देख रही थी, आप अभी भी हमको देख रही थी, अब तो ले अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, अब आप भी देखो हमें भी चैन से देखने दो। अब ये सखियां जैसे राघव जी को देखती हैं, अभी तक जो फूल बरसा रही थी ना अभी अपने पे ही फूल डालने लगी, बताए ना पगला गई है। कोई अपने पे फूल डाल रहा है तो कोई तो बिल्कुल खिड़की से ऐसी हो गई है कि अब कूदी जाएगी नीचे, ऐसा हो गया। क्यों हुआ जानते हैं? ओ जब से नैन मिले रघुवर से, हो जब से नैन मिले रघुवर से, मेरी अकल गई बोराए। जब से नैन मिले रघुवर से, मेरी अकल गई बोराए। बोराए का मतलब समझते हैं? बोरा जाना। कोई भांग धतूरा खा ले तो बोरा जाता है, एक पांव इधर धरे तो उधर पड़ता है, उधर वाला उधर पड़ता है, तो ये बोराना होता है। इनको होश नहीं है कि हम कर क्या रही हैं। ओ जब से नैन मिले रघुवर से, मेरी अकल गई बोराए। जब से नैन मिले रघुवर से, मेरी अकल गई बोराए। जब से नैन मिले रघुवर से, सरकार की।
के मतवाले नैनों ने मेरे दिल को लिया चुराए, उसके मतवाले नैनों ने मेरे दिल को लिया चुराए। जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई वो राय, जब से नैन मिले रघुवर से। उसकी देख के सूरत प्यारी मेरी पती गई है मारी, ऐसी मारी नैन कटारी मैं तो भूली दुनिया सारी, ऐसा बस गया मेरे मन में, ऐसा बस गया मेरे मन में ये दिल और कहीं ना जाए, ऐसा बस गया मेरे मन में ये दिल और कहीं ना जाए। और जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई गोराए, जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई। जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू वो चारों ओर नजर वो आए, जाने कैसा जादू डाला चारों ओर नजर वो आए। वो जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई वो राय, जब से घुवर से। राघव जी के सबने दर्शन किए कल।